अपनों को जब छोड़ते हैं तो बहुत महसूस होता है। तो इसकी वजह से अभी तो माशाल्लाह 15 साल हो गए हैं, तो चल रहे हैं, आ रहे हैं, अभी तो इतना कुछ नहीं है। इधर भी अपने अच्छे दोस्त हो गए हैं, उनके साथ अच्छा काम करते हैं। हाँ, एक बार का वाक्य है कि अम्मी बहुत बीमार थी। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। अम्मी एक बार बीमार थी तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ठीक है ना, पैसे भी नहीं थे मेरे पास, और बहुत सारी धूप थी। आज क्या करना है, आज कैसे, कहाँ से पैसे लाऊं, क्या करूं मैं। तो एक बार क्या हो गया, मैं काम ही कर रहा था कि अचानक से एक इमाराती यहाँ का वो आ गया और मुझे बोला कि इधर आओ। उसने मुझे बुलाया, मैंने उसको कुछ बोला नहीं। जैसे रास्ते से जाते हैं, वो देख रहा था कि ये बहुत ही धूप में काम कर रहा है, तो वो जो जा रहा था तो मुझे देखा, वो मेरे पास आया। उसने मुझे पानी भी दिया और प्लस में कोल्ड ड्रिंक भी दी उसने, प्लस में 200 दिरहम्स भी दिए मुझे उसने। उसी रात को मैंने जब वो पैसे अपने पाकिस्तान में सेंड किए अम्मी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई। तो दूसरे दिन, वही दिन मैं गर्मी में काम कर रहा था, लेकिन यकीन माने मुझे नहीं लग रहा था कि ये परदेश है, या मैं बहुत ही मुश्किल से काम कर रहा हूँ, मुझे धूप लग रही है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, बहुत ही खुशी हो रही थी। आई थिंक जुलाई का महीना था ये। जैसे आपकी अपनी फैमिली है, ऐसी फैमिली के जैसे, यानी वो आपको देखते हैं, ऐसे ही तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं।
2006 में दुबई में आए इमदाद बलोच साहब ने मेहरबानी की, तो माशाल्लाह उसने आज तक हम उसको बहुत दुआएं देते हैं। जितना मेरा हो सकता है पैसा है जो कुछ भी मेरे को मिलता है सो मैं माँ बाप को भेजता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मेरे से कुछ भी कमाता हूँ या कुछ भी मेरे उधर माँ बाप भाई बहन जो भी है पूरा खुश है। जितना मैंने पैसा कमाया हुआ है पूरा मैंने घर पे भेजा हुआ है और घर वाले बहुत खुश है, माँ बाप बहुत दुआएं देते हैं मेरे को। जो ही कंपनी में काम कर रहे हैं सब हैं, उसमें इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, नेपाली भी हैं, सब कुछ सब हैं, लेकिन हम अच्छे तरह से आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। जो जब जिस दिन हम लोग काम पे नहीं जाएंगे तो समझो तो उसी दिन खुद ही खुद बीमार रहेंगे, इधर का ऑटोमेटिक ऐसा हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, जितना भी काम चोर हो ना, बोलते हैं ना ये बंदा काम चोर है, उसको एक बार उसको दुबई छोड़ दो, इंशाल्लाह ताला मैं बोलता हूँ 100% वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा ना उसको, वो ढूंढता रहेगा मेरे को काम चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी, हमारे सिंधी, हमारे पंजाबी, नहीं, एवरी वन जो भी है, कोई इंडिया से, कोई बांग्लादेश से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, इवन यहाँ के जो इमाराती लोग हैं वो भी अच्छे तरीके से हमारे साथ यानी के अदब से बात करते हैं, कि यानी अदब से मिलते हैं, कभी कोई दुश्वारी आ जाती है तो यानी के साथ देना, यानी के अच्छे तरीके से बात करना, अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, जैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो नेपाल वाले भी दोस्त हमारी हेल्प करते हैं। एक बार मेरे को कुछ ऐसा कोई काम था, उससे मैं बात किया तो वो मेरे को कुछ करके दिया, नेपाल का दोस्त, और आज तक भी मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अपने घर के लिए कुछ करने के लिए आए हैं ना, तो लाजमी है सर्दी गर्मी सब कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। इस इधर क्या हो गया, अभी इतना साल से रह रहे हैं आपस में तो सबका एक दूसरे से बहुत प्यार है, कभी भी कुछ बीमार होता जाता है तो वो भी दोस्त लोग पूछने के लिए भी आते हैं, तो भाई तुम्हारा तबीयत कैसे है, तुम कल ड्यूटी पे नहीं आया, तुम बीमार हो गया, क्या हो गया, डॉक्टर क्या बोला, ऐसा रेस्पेक्ट जो है ना अपने अजीज़ों जैसा, अपने रिश्तेदारों जैसा, ऐसा उनका बात सुन के बहुत सुकून मिलता है, तो एक दूसरे का हम हाल अहवाल भी पूछते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, उधर बड़ा बड़ा डिग्री पढ़ के बैठ जाते हैं, तो मेरे को नौकरी मिलेगा, नौकरी कर 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 के उम्र भी बढ़ जाता है, लास्ट में क्या करते हैं, थोड़ा सा दुकान खोल के बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते। वो टाइम ज़ाया ना करें, अगर आपने के पास इतना अच्छा तालीम है तो माशाल्लाह दुबई में अच्छा है। थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे भाई लोग को जो दुबई आना चाहते हैं, अपनी विज़िट वीज़ा पे आओ, विज़िट वीज़ा पे आओ, इधर आप ट्राई करो, इंशाल्लाह उसको अपना जॉब मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, प्लीज़ खुदारा वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, अपने वालदेन की खिदमत करें। ये वीडियो तो चलेगा ना, ये भी नो नो आई नो वो बात नहीं है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, आप वीडियो बना, आपका मकसद है ना कोई, ये आपका कोई मशीन है ना, विदाउट मशीन अगर जो टाइम वेस्ट करते हैं भाई पबजी खेलते हैं एवरी टाइम दे प्लेइंग पबजी, वो नहीं होना चाहिए। जो इंडियन लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं दिल के, एक दो घर में हम काम करते हैं, उन लोगों का बात का तरीका और हमारे साथ में अच्छा सुलूक। पाकिस्तान से हैं? जी मैं पाकिस्तान सिंध से हूँ, लाड़काना से हूँ, और वो जो हैं वो इंडिया से हैं। आपका वो बहुत ख्याल करते हैं? बहुत ख्याल करते हैं, ये नहीं देखते कि आप पाकिस्तान से? नहीं, वो जो है ना लोगों की गलत फहमी होती है। इधर पहले मैं आया था तकरीबन 2017 में आया था, लेकिन फिर हमने चला गया था, फिर वापस आया इधर, अभी एक साल हो गया इधर। मेरा एक दोस्त था जो मैं इधर आया पहले दुबई में, तो मैं उससे ही बोला तो इधर आ जाओ, इधर बिल्कुल कमाएगा तुम, खाएगा तुम्हारी ज़िंदगी जो है, तुम्हारी फैमिली सुकून से इधर तुम एक कमाएगा उधर तुम्हारी फैमिली पूरी सुकून से खा सकेगी। मेरा बिल्कुल च्वाइस थी तो मैं दुबई जाऊँगा, हमारे दोस्त थे रिश्तेदार थे फीलिंग महसूस है, ये जो मेरे को क्लिप दिखा रहा था, वीडियो दिखा रहा था, तो कई भी काम है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, हमारी इधर का बिल्डिंग निकल के रोड्स। असल में बात ये है कि अरे छाछ मां निकरी वाला पोडे आ तो थी उठी एतांग जो खिलाया तो मेरे रस्तो तू तो मारे खिले में पे इंटरव्यू दे तू दे ना। असल में सर जितने भी घर वाले हैं
बहुत